ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಯೆಸ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। संवेदा सोशल साइंस वीडियो क्लास में मैं सबसे पहले तमाम दसवीं जमात के बच्चों का इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, दसवीं जमात की समाजी साइंस शोबे तारीख का पहला सबक, जिसका नाम हिंदुस्तान में यूरोपीय अकवाम की आमद, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया का, आपने दूसरे हिस्से का मुतालिया कर लिया है, पार्ट टू का मुतालिया कर लिया है। लिहाजा हम सबक को आगे बढ़ाने से पहले एक मर्तबा देखेंगे कि हमने दूसरे हिस्से में, अपनी दूसरे वीडियो क्लास में, हमने कौन कौन सी तदरसी नुकात के ताल्लुकात से मालूमात हासिल की हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने हिंदुस्तान में यूरोपीय अक्वाम की आमद के ताल्लुक से पढ़ा, और इसमें हमने फ्रांसीसियों की ताल्लुक से, हिंदुस्तान में फ्रांसीसियों की आमद के ताल्लुक से हमने पढ़ा है, और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि फ्रांसीसियों ने कहां कहां पर हिंदुस्तान के किन किन शहरों में उन्होंने अपनी तिजारती कोठियां कायम की। इसके बाद हमने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के दरमियान मुकाबला और तजादात के ताल्लुक से भी मालूमात हासिल की। इसके बाद हमने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मुकाबले और तजादात की वजह से जो जंगें लड़ी गई, यानी कारनाटिक की जंगें, और इन जंगों के असरात के ताल्लुक से हमने मालूमात हासिल की। इस तदरीसी निकात में हमने कारनाटिक की जंगों में हमने पहली कारनाटिक की जंग, दूसरी कारनाटिक की जंग और तीसरी कारनाटिक की जंग और इनके मुआहिदों के ताल्लुक से भी हमने मालूमात हासिल की, और इन जंगों के क्या असरात हिंदुस्तान पर मरतब हुए इसके ताल्लुक से भी आपने मालूमात हासिल की। अब हम चौथे तदरीसी ताल्लुकात के ताल्लुक से हिंदुस्तान में अंग्रेजी इख्तेदार, इसके तहत हमने ये मालूम किया कि किस तरीके से अंग्रेजों ने मुगल शहंशाह फर्रुख सियार से बंगाल में तिजारत के लिए दस्तक हासिल की। तो गर्ज के हमने इन तमाम नुकात के ताल्लुक से अपनी दूसरी वीडियो क्लास में मालूमात हासिल की। लिहाजा अब हम सबक को आगे बढ़ाते हुए आज की इस तीसरी वीडियो क्लास में तीसरे और आखिरी हिस्से में, जिसका सबक का नाम हिंदुस्तान में यूरोपीय अकवाम की आमद, आज की ये तीसरी और आखिरी वीडियो क्लास है। तो लिहाजा आज हम देखेंगे कि इस तीसरी और आखिरी वीडियो क्लास में हम कौन कौन से तदरीसी नुकात के ताल्लुक से आज की इस वीडियो क्लास में मालूम करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्लासी की जंग के अस्बाब और इसके नताइज, आप उसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। फिर इसके बाद आप बक्सर की जंग देख रहे हैं, बक्सर की जंग और इसके असरात, इसके ताल्लुक से भी आज की इस वीडियो क्लास में आप मालूमात हासिल करेंगे। और आखिर में दो अमली हुकूमत, जिसको हम ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं, ये दो अमली हुकूमत है क्या, इसके माने वो मफहूम जानेंगे, और इसको किसने और कहां पर हिंदुस्तान में नाफिज किया इसके ताल्लुक से भी आप इस वीडियो क्लास में मालूम करेंगे। तो लिहाजा आज की इस क्लास में हम इतनी तदरीसी नुकात पर मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, क्या आप इन नुकात को तालुकात से मालूमात हासिल करना चाहेंगे? हाँ, तो चलिए अब हम सबक को आगे बढ़ाते हुए आगे के इन तमाम तदरीसी नुकात के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले प्लासी की जंग। सन 1756 सनी ईस्वी में जो बंगाल के नवाब थे, जिनका नाम अली वर्दी खान, इनकी मौत हो गई। सन 1756 सन ईस्वी में बंगाल के नवाब, जिनका नाम अली वर्दी खान, तो इनकी मौत हो गई। इनकी मौत के बाद इनका पोता,
जिसका नाम सिराजुद्दौला था। अभी आप तस्वीर भी देख रहे हैं, ये तस्वीर सिराजुद्दौला की है। तो ये अली वर्दी खान के पोते थे। तो अली वर्दी खान की मौत के बाद इनका पोता सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो बंगाल का नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के दस्तक के गलत इस्तेमाल के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। तो सिराजुद्दौला ने, जो अंग्रेज दस्तक का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसने यानी सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की मुखालिफत की। इसकी मुखालिफत करने की वजह से तारीख में एक जंग लड़ी गई, जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के दरमियान ये जंग लड़ी गई। सन 1757 सनी ईस्वी में ये जंग लड़ी गई। तारीख में हम इस जंग को प्लासी की जंग कहते हैं। तो इस तरीके से ये अहम आकर जो है सबब बनी। अब हम देखेंगे इसके साथ साथ प्लासी के जंग के और भी कई दूसरे वजूहात थे। अब हम आगे देखेंगे वो आखिर वो कौन कौन से असबाब और वजूहात थे। सबसे पहले, जैसा कि आपने पढ़ लिया है, दस्तक का गलत इस्तेमाल आपने पढ़ लिया है। ये दस्तक है क्या? तो बगैर कोई टैक्स दिए, बगैर अशिया की दरामद और बरामद करने को ही दस्तक कहते हैं। तो अंग्रेजों ने दस्तक आकर जो है हासिल कर लिए थे, और वो सिर्फ, और जो हुक्मरान, जो बंगाल के जो नवाब थे और मुगल शहंशाह ने जो दस्तक दिए थे, ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए दिए थे। लेकिन अंग्रेजों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, इसका बेजा इस्तेमाल किया। वो तो इस्तेमाल करते ही थे, लेकिन साथ में उन्होंने इस दस्तक को दूसरे ताजिरों को भी आकर जो है ये दस्तक की इजाजत दे दी, और बगैर टैक्स के तिजारत करने के लिए उनको भी आकर जो है इजाजत दे दी। तो इस तरीके से जो अंग्रेजों ने गलत इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल करने की वजह से बंगाल के नवाब को काफी माली नुकसान उठाना पड़ा। तो यही वजह थी, माली नुकसान की वजह से सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की मुखालिफत की। तो इस तरह से दस्तक का गलत इस्तेमाल एक वजह बनी। किसकी वजह बनी बच्चों? प्लासी की जंग का अहम असबाब या वजह बनी। तो एक वजह थी। अब हम देखेंगे इसकी दूसरी वजह, यानी जंगे प्लासी की दूसरी वजह हम देखेंगे। दूसरी वजह थी इजाजत के बगैर किलों की मरम्मत करना। तो यहां पे अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के डर से, कहीं फ्रांसीसी हम पर हमला कर दे, यानी अंग्रेजों पर हमला कर दें, इस डर की वजह से, फ्रांसीसियों के हमले की डर के वजह से, इन्होंने जो कोलकाता में जो इनका किला था, जिसको हम सेंट विलियम फोर्ट कहते हैं, इसकी इन्होंने तामीर की, इसको मजबूत करना, इसको आकर जो है मजबूत करना और इसकी तामीरी मरम्मत का काम शुरू किया। ना सिर्फ इतना, बल्कि अंग्रेजों ने आकर जो है इस किले में अंग्रेजी फौजियों को भी रखा था। जब इस बात का पता बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को चलता है, तो सिराजुद्दौला ने एक हुक्म जारी किया अंग्रेजों के खिलाफ। इसने अहकाम जारी किया, इसने इस अहकाम में यह फरमान जारी किया कि फौरन अंग्रेज ये जो किला है, कलकत्ता का जो किला है सेंट विलियम फोर्ट, उसकी तामीरी काम को फौरन रोक दें और तमाम सिपाहियों को किले से बाहर कर दें। जब यह अहकाम जारी हुआ, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के अहकाम पर कोई अमल नहीं किया। तो इन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला ने आकर जो है, सिराजुद्दौला को काफी गुस्सा आया। जब इसको गुस्सा आया, आने के बाद इसने आकर जो है इस किले पर हमला कर दिया। तो अब ये जो तीसरी वजह आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये तीसरी वजह है सियाकोटी अलमिया। इसको हम सियाकोटी अलमिया कहते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ये सियाकोटी अलमिया है क्या, अब हम देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी कहा, जब सिराजुद्दौला ने ये अहकाम जारी किया, अंग्रेजी अफसरों को, अंग्रेजी जो अफसर थे उनके नाम एक अहकाम जारी किया
कि फौरन वो किले की मरम्मत के काम को रोक दें और इसमें मौजूद तमाम फौजियों को किले से बाहर कर दें। लेकिन अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के हुक्म पर कोई अमल नहीं किया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को काफी गुस्सा भी आया और इसने हमला भी किया। अब हमले करने के बाद सिराजुद्दौला जब ये हमला करने के बाद इस किले पर सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद इसमें मौजूद 146 सिपाही, इसमें कितने सिपाही थे अंग्रेजी सिपाही, 146 अंग्रेजी सिपाही थे, उन तमाम अंग्रेजी सिपाहियों को सिराजुद्दौला ने कैद कर लिया। कैद करने के बाद इन तमाम सिपाहियों को एक छोटे से कमरे में क्या कर दिया, बंद कर दिया। तमाम सिपाहियों को इसने एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद इस तकरीबन बंद करने की वजह से तकरीबन 123 अंग्रेजी सिपाही जो थे वो आकर मर गए। 146 में से 123 फौजी क्या मर गए, फौत हो गए। जब इस बात का पता किसको चला, जब ये इस बात का पता रॉबर्ट क्लाइव को चला, तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बहुत आग बगोला हो गया, बहुत गुस्से में आ गया। तो ये तारीख में इस वाक्य को, चूंकि 146 सिपाही किले में मौजूद थे, उन तमाम सिपाहियों को इसने सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया। कैद करने की वजह से तकरीबन 123 फौजी मारे गए। तारीख में इस वाक्य को हम क्या कहते हैं, कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कोल्ड ट्रेजेडी कहते हैं। जैसे ही ये वाकया रोनुमा होना था, जैसे ही ये वाकया, ये हादसा पेश आया, तो फौरन रॉबर्ट क्लाइव को बहुत गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गया। आप तस्वीर भी देख रहे हैं स्क्रीन, रॉबर्ट क्लाइव की तस्वीर देख रहे हैं, तो ये बहुत गुस्से में आ गया। तो आखिरकार ये गजबनाक होने की वजह से इसने मनसूबा बना लिया कि किस तरह पर हमला करना है। इस तरीके से प्लासी के जंग के आकर जो है प्लासी के जंग के ये अहम वजह बनी, ये फौरी सबब बनी। तो लिहाजा आपने मालूम किया कि प्लासी के जंग के कौन से असबाब है। तो इस तरीके से प्लासी की जंग रोनुमा हुई। हम देखेंगे जंगे प्लासी, जंग से पहले, जंग शुरू होने से पहले रॉबर्ट क्लाइव सुबह बनाया, इसे जो नवाब के जो मुखालिफ थे, जैसे माणिकचंद, ओमीचंद और जगत सेठ, और ना सिर्फ ये बल्कि आम मालदार जो किससे सिराजुद्दौला से नाराज थे, खुश थे, उन तमाम को इसने अपनी तरफ कर लिया। ना सिर्फ इतना बल्कि इस था जिसका नाम मीर जाफर, मीर जाफर को भी इसने पहले नवाब बनाने का लालच देकर इसको अपनी तरफ कर लिया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ काम करने पर रजामंद कर लिया, राजी कर लिया। तो इस तरीके से जंग से पहले ही क्लाइव ने एक हिकमत अमली, एक मंसूबा बनाया, जिसके आम जितने भी मालदार थे, जितने भी दूसरे, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े आकर जो है ओहदों पर थे, जो सिपेस, जो वो तमाम लोग जो सिराजुद्दौला की मुखालिफत करते थे, ऐसे लोगों को इसने अपने तरफ कर लिया। ना सिर्फ इतना बल्कि खुद सिराजुद्दौला के नवाब, सिराजुद्दौला का जो सिपे सालार था जिसका नाम मीर जाफर, उसको भी आकर जो है अपने तरफ कर लिया। इस तरीके से आकर जो है, इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने एक हिकमत अमली इख्तियार की, वो भी जंग से पहले। अब हम देखेंगे जंगे प्लासी सन 1757। आप तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, इस आया गया एक तरफ सिराजुद्दौला है जो बंगाल का नवाब था, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव। दरमियान में जंग का एक मंजर बताया गया है। तो ये जो जंग थी, यानी जंगे प्लासी, तो ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के दरमियान हुई। तो इस जंग में क्या हुआ, अब हम देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने 23 जून सन 1757 को
सिराजुद्दौला पर प्लासी के मुकाम पर हमला कर दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला पर क्या कर दिया, प्लासी एक मुकाम है, मुकाम की वजह से इस जंग का नाम भी प्लासी पड़ा है। इसी वजह से चूंकि मुकाम प्लासी था, ये इसी मुकाम पर लड़ी गई, इस वजह से इसको हम प्लासी की जंग के नाम से जानते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 सनी ईस्वी में इसने सिराजुद्दौला पर हमला कर दिया। अंग्रेजों ने इस जंग में सिराजुद्दौला को शिकस्त दी, ना सिर्फ शिकस्त दी बल्कि इसको कैद कर यानी सिराजुद्दौला को कैद कर इसका कत्ल कर दिया। तो इस तरीके से जंगे प्लासी लड़ी गई। तो आपने जाना जंगे प्लासी के असबाब क्या थे और जंगे प्लासी कब और किसके दरमियान लड़ी गई, ये भी आपने जाना। अब हम देखेंगे जंगे प्लासी के नताइज, द रिजल्ट्स ऑफ प्लासी, नताइज क्या निकले देखेंगे। सबसे पहले अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को शिकस्त दी और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। जैसे मैंने पहले ही कहा था, रॉबर्ट ने वादा किया था मीर जाफर के साथ कि अगर वो अंग्रेजों की मदद करे तो उसको बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। तो लिहाजा अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। ये जंग का पहले नताइज या पहला नतीजा। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है मीर जाफर। तो प्लासी की जंग के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। अंग्रेजों ने बंगाल सूबे में तिजारत करने के लिए गैर मशरूत हुकूक हासिल कर लिए। तो इसके बाद मीर जाफर को तो उन्होंने बंगाल का नवाब बनाया, लेकिन साथ में अंग्रेजों ने बंगाल में तिजारत करने के लिए कौन से हुकूक हासिल किए, गैर मशरूत हुकूक, अनकंडीशनल राइट्स। यानी अब अंग्रेजों को तिजारत करने के लिए किसी से इजाजत और किसी किस्म के टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने तिजारत करने के लिए मशरूत हुकूक हासिल कर लिए। देखा किस तरीके अंग्रेज पहले दस्तक हासिल करने में कामयाब हुए, फिर उन्होंने बंगाल में गैर मशरूत हुकूक हासिल कर लिए। इसके साथ साथ सिराजुद्दौला के कलकत्ता के सेंट विलियम फोर्ट पर हमला करने की वजह से, सिराजुद्दौला ने सेंट विलियम फोर्ट पर हमला किया था, इसकी वजह से मीर जाफर को 17,70,00,000 रुपए मुआवजे के तौर पर अंग्रेजों को देने पड़े। तो ये भी जंगे प्लासी के नताइज में से एक नतीजा है। जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया, नवाब बनने के बाद मीर जाफर अंग्रेजों के हाथों कठपुतली बनकर रह गया। वो कुछ नहीं कर क्योंकि जिस तरीके से कहेंगे अंग्रेज जो हुक्म देंगे इसको मानना पड़ेगा, ये अपनी खुदी से कुछ नहीं कर सकता था। तो ये एक अंग्रेजों के हाथे कठपुतली बन चुका था। सिर्फ इतना बल्कि इसका जो खजाना था, बंगाल का जो खजाना था, उसका का पूरा खाली हो गया। खाली होने के बाद जब इसने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करना चाहा, जब इसने अंग्रेजों की मुखालिफत की, तो इसको नवाब के ओहदे से बरतरफ कर दिया। तो इसने जब अपना कुछ हक चलाना चाहा, जब अंग्रेजों की थोड़ी सी मुखालिफत की, मीर जाफर को बंगाल के ओहदे से बरतरफ कर उसको निकाल फेंका। अब इसके बाद इन्होंने इसका दामाद जिसका नाम मीर कासिम था, उसको बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर को बेदखल कर इसके दामाद जिसका नाम क्या है, मीर कासिम। मैं आपको तस्वीर भी बता रहा हूं, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये आकर मीर कासिम की तस्वीर है। तो लिहाजा अंग्रेजों ने मीर जाफर को तर्क कर उसको बंगाल का नवाब से हटाकर किसको नवाब बनाए, मीर कासिम को इन्होंने बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम एक काबिल हुक्मरान था। इसको भी मालूम कि अंग्रेज दस्त का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसने हिंदुस्तानियों को भी बगैर टैक्स या तिजारत करने का मौका दिया। जब ये काम किया तो
अंग्रेज जो थे इस हिकमत अमली से अंग्रेजों को भी माली नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से अब अंग्रेजों ने मीर कासिम को भी बंगाल तरफ करके दोबारा फर को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने जिन जिन लोगों ने जिन जिन नवाब ने खलीफा क्या कर दिया, बरतरफ कर दिया, मीर जाफर को नवाब बनाया। जब मीर जाफर कुछ करना चाहा तो अपने आकर जो है अपना हक बरतरफ किया गया। अब के बाद मीर कासिम ने भी जब कुछ करना चाहा तो मीर कासिम को भी आकर जो है इन्होंने बरतरफ। अब हम देखेंगे इसके बाद कौन से हालात उसने करने के लिए, इसने अंग्रेजों से जंग करने के लिए आकर जो है कुछ लोगों से आकर जो है इत्तेहाद किया। इत्तेहाद आगे चलकर बनी बक्सर की जंग। तो ये जो बक्सर की जंग है सन 1764 सनी ईस्वी में लड़ी गई। अब हम देखेंगे इसके ताल्लुक से यानी बक्सर की जंग के ताल्लुक से कुछ मालूमात हासिल करेंगे। चलो बच्चों हम देखेंगे बंगाल के नवाब मीर कासिम ने कर दिया, जब अंग्रेजों ने यानी बंगाल के नवाब से जब बरतरफ तो ये हार नहीं माना। इसने अपना खोया हुआ मुकाम अपना खोया हुआ ओहदा हासिल करने के लिए अल शहंशाह शाह आलम दुवम और अवध के नवाब के साथ किया इत्तेहाद। मुगल शहंशाह शाह आलम इसने आज एक मुहायदा किया ताकि वो अंग्रेजों के साथ जंग करके अपने खोए हुए मुकाम को अपने खोदे। फिर भी देख रहे हैं इस तस्वीर में तरफ मीर कासिम है, दरमियान में मुगल शहंशाह शाह आलम और आखिर में आप देख रहे हैं अवध के नवाब शुजाउद्दौला। तो एक इत्तेहाद कायम हुआ, अंग्रेजों को शिकस्त देने में कामयाब हो। देखेंगे ये बक्सर की जंग कब निकले। कासिम की खियाद इस इत्तेहादी फौज ने अंग्रेजों से जंग की। कासिम जिसने कायम किया था एक इत्तेहादी फौज की तश्कील की आदत, तो मीर कासिम ने की और इसने अंग्रेजों का मुकाबला किया और अंग्रेजों से जंग की। अंग्रेजी जिस मीर कासिम इसके साथ साथ लंगदुवम अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दूसरी तरफ अंग्रेज हैं जिसकी क्यादत फौज की क्यादत हेक्टर मेनरो कर रहा है। तो हेक्टर मेनरो ने इस बक्सर में 64 सनी इस जंग में इस इत्तेहादी फौज को दे दी और ये जो जंग है यानी जो बक्सर की जंग है इस बक्सर की जंग में अंग्रेजों ने इस इत्तेहादी अभी हासिल की और ये जो फौज की जो कोशिश थी कि वो अंग्रेजों को इस जंग में नाकाम हो गए। इस तरीके से जंगे बक्सर के बाद अंग्रेज हिंदुस्तान में मजीद ताकतवर बनकर उभरे और जंग बाद क्या हुआ या जंग के नताइज ये आपने मालूमात हासिल की। अब देखेंगे दूसरे नताइज और क्या क्या निकले इसके हम देखेंगे। मुगल
की दीवानी का हक हुकूक अदा कर दिया। अब ये दीवानी है क्या कहते लेते हैं, ये दीवानी हक से मुराद है जमीन का लगान का महसूली हक। इस के लिए ना सिर्फ तिजारत इनका लगान टैक्स और जमीन महसूल का भी अंग्रेजों को हासिल हो गया। ये पहला नतीजा, अंग्रेजों को दीवानी हक भी हासिल हो गया। ना सिर्फ इतना 20 लाख रुपए लेकर आलम ने बंगाल पर अपने तमाम हुकूक खो दिए, यानी अब मुगल शहंशाह को सालाना 26 बंगाल पर जो शहंशाह का, तो वो अपने हक को खो दिए। कुछ कर बंगाल पर अपना पूरा मुकम्मल कंट्रोल और कब्जा हासिल कर लिया। अवध के नवाब, चूंकि अवध के नवाब ने इत्तेहादी फौज में शमूलियत की थी, तो इसकी वजह से अवध के नवाब को जंग के पर 50 लाख रुपए अंग्रेजों को मीर जाफर की मौत हो जाने के बाद, जब मीर जाफर हो गया, इसके बेटे को वजीफा देकर ईस्ट इंडिया कम्बल इंतजामिया हासिल कर लिया। इस तरीके से जंगे बक्सर के हम दो अमली हुकूमत, जिसको हम अंग्रेजी में ड्यूअल गवर्नमेंट, ये दो अमली हुकूमत के मुताबिक कंपनी को दीवानी हक टैक्स लगान महसूल आप जो भी कह सकते हैं हासिल था। अंग्रेजों को जमीन का लगान टैक्स महसूल का हक, दूसरी तरफ नवाब के इंतजामिया था। तो जुडिशरी नवाब की जिम्मेदारी थी और अंग्रेजों के हवाले क्या था, टैक्स। इस वजह से हम क्या कहते हैं, दो अमली हुकूमत को बंगाल में सन 1765 सन रॉबर्ट क्लाइव ने जारी किया। अब आप तस्वीर भी देख रहे हैं, बंगाल में अमली राय इसको नाफिस करने वाला यही रॉबर्ट क्लाइव। तो इस तरीके से आपने आज की इस वीडियो क्लास में आकर जो है आपने जंगे प्लासी के ताल्लुक से मालूमात हासिल की और इन तमाम अक्सर। अब हम देखेंगे एक मरतबा देखेंगे आज की हम इस वीडियो क्लास में क्या किन किन नुकात के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। सबसे पहले आप अस्बाब और उसके नताइज के ताल्लुक से मालूमात हासिल की, इसके बाद बक्सर आपने तफसीली तौर पर इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल की और आखिर में दो अमली हुकूमत के ताल्लुक से भी मालूमात हासिल की। तो लिहाजा आपने इन तीन तदरीसी नुकात के मालूमात हासिल की। बच्चों अब मैं आपने जो पढ़ा उसके ताल्लुक से आपसे सवाल, अब हम सबक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे मुनासिब जवाब से पूर करें। सबसे पहले आप बंगाल के नवाब दौला और अंग्रेजों के दरमियान कौन सा सवाल है, कौन सी जंग लड़ी गई। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, प्लासी की जंग। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, जंग प्लासी डैश सनी ईस्वी में लड़ी गई। जंग प्लासी ताल्लुक से आपने अभी पढ़ा है, कब लड़ी गई है, 1757 में प्लासी की जंग लड़ी गई। अब हम आपके लिए तीसरा सवाल है, जंग प्लासी के बाद अंग्रेजों ने डैश गंगा खत्म हो गई, खत्म होने की किसको अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना। बेशक बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, इसका जवाब है मीर जाफर। के लिए सवाल, जंग बक्सर डैश सनी में किस साल जंग लड़ी गई। जवाब है बहुत सही तरीके से, जवाब बिल्कुल सही है, 1764 में यह जंग लड़ी गई। सवाल पांचवा आपके लिए, रॉबर्ट क्लाइव डैश सूबे में दोहरी हुकूमत नाफिस की। हाँ, किस सूबे में दोहरी। सही जवाब है सूबे बंगाल। अब हम इन सवालों को
लिख लें और जवाब को लेकर अपने समाजी साइंस टीचर मौलिमा से अपने सबसे पहले सवाल, सियाकोटी अल्मिया का हादसा प्लासी की जंग बना कैसे? दूसरा सवाल, जंग प्लासी कब और किन किन के दरमियान, इसके ताल्लुक से जवाब लिखें। तीसरा सवाल आपके लिए, जंग प्लासी के नताइज क्या निकले, जंग प्लासी के नताइज क्या निकले आप उसको। चौथा, जंग बक्सर कब और किन किन के दरमियान लड़ी गई, इस जंग के नताइज क्या थे, ये भी आप। आखिर में दोहरी हुकूमत से क्या मुराद है और इसको किसने जारी किया, ये इस तरीके से आपने इस तीसरे लेसन तीसरे हिस्से का मुताला किया है। लिहाजा इस सबक को देने वाले मोहम्मद इम्तियाज, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मिलरपेट, बल्लारी ईस्ट, बल्लारी। शुक्रिया। अनुदिना अनुक्षणा मनेयल्लु कलियोणा कलिकेय होसहादियलि ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಯೆಸ್ ಸರ್. ಯೆಸ್ ಟೀಚರ್. ಕಸನ್ ಮ್ಯಾಮ್.